हेलो किड्स, वेलकम टू टी टू लर्निंग। आज के इस असाइनमेंट में हम लगाएंगे ओ की मात्रा। ओ की मात्रा कैसे लगती है? स्टैंडिंग लाइन और दो चोटी किसी भी वर्ण के पीछे, स्टैंडिंग लाइन और दो चोटी लगाएंगे तो ये बन जाएगा ओ की मात्रा। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सन है, ये सिंबल जो होता है सन यानी कि समर सीजन का। यहाँ पे स्नो फ्लैक्स देख सकते हैं यानी कि विंटर सीजन का। ये है फॉल का सीज़न क्योंकि पत्तियाँ गिरती है। ये है फ्लावर का सीज़न यानी कि स्प्रिंग। तो ये डिफाइन करता है मौसम को यानी कि सीजन्स को। तो मौसम कैसे लिखेंगे? म पे साउंड आ रही औ की, मौ। तो कैसे बनाएंगे औ की मात्रा? स्टैंडिंग लाइन और दो चोटी। तो ये बन गया मौ स म, मौ स म। औ की साउंड आई तो हमने लगाई औ की मात्रा। अब ये क्या है? कौवा, कौ। औ की साउंड आई क पे, तो कैसे बनाएंगे? स्टैंडिंग लाइन और दो चोटी। तो ये बना कौ आ। आ लिखना आता है हमको तो हम लिखेंगे आ कौवा। अब ये क्या है? लौ, ल पे कौन सी साउंड आ रही है? औ। तो स्टैंडिंग लाइन और दो चोटी। ल की, क, क पे कौन सी साउंड आ रही है? ई की, बड़ी की। ज्यादा देर तक आ रही है ना, तो लौ की। ये क्या है? तौलिया, त पे कौन सी साउंड आ रही? औ की। तो कैसे बनेगी? स्टैंडिंग लाइन और दो चोटी। तो तौ लिया ली, ल पे आ रही छोटी ई की साउंड, तो फाउंटेन वाली ये मात्रा लगा दी। तौलिया, तौलिया। ये क्या है? ये है पौधा, पौधा। तो प पे कौन सी साउंड आ रही? औ की। और वो कैसे लगेगी मात्रा? स्टैंडिंग लाइन और दो चोटी। तो पौधा, पौधा। तो हमने प्रैक्टिस की औ की मात्रा की। जहाँ पे भी औ की साउंड आई तो स्टैंडिंग लाइन और दो चोटी लगाई। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप रिवाइजिंग। बाय बाय।